हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ मेंदूवड़ा की रेसिपी। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कप से 200 ml का कप है, तो उससे मैंने एक कप डाल ली हूँ। तो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मतलब एक कप उड़द की डाल लेंगे तो आधा कप मूंग की डाल लेना है। तो परफेक्ट मेंदूवड़ा जैसे बाजार जैसा क्रिस्पी और खाने में टेस्ट बहुत अच्छी बनती है, उस तरीके से बनता है। तो मैं यहाँ पे 2 कप का ले रही हूँ मेजरमेंट। यहाँ पे 2 कप उड़द की दाल, यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल हम लोग इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से धोकर हम लोग अब इसमें इसको पहले धोकर लेते हैं। यहाँ पर मैंने धोकर इसको यहाँ पे रख दिया है। आप यहाँ पे कम से कम 4 घंटा या पूरी रात भी इसको सोख होने के लिए रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरी रात के लिए रख देती हूँ और इस पर भी मैं ऐसे रख दूंगी प्लेट। और अभी मिलते हैं हम लोग सुबह में, क्योंकि मैं पूरी रात अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप 4 घंटे के लिए भी इसको फूकने डाल सकते हैं और बहुत अच्छा बनता है। अभी मिलते हैं कल सुबह, फिर उसके आगे की प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हमने पूरी रात दाल को सोख किया है। अभी इसका पानी हम लोग पूरा निकाल कर लेंगे और मिक्सर में पीसते वक्त इसको हमको पानी ज़रा भी नहीं डालना है, उसी हिसाब से हमको पीसना है। तो यहाँ पर हमको अभी सब उसको में पानी ज़रा भी नहीं लेना है, तो बड़े हमारे मेहंदी बड़े अच्छे बनते हैं। यहाँ पर हमको मिक्सर के जार में लेंगे भी हम लोग इसको पहले पीस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग ने बिना पानी का इसको पीस कर ले लिया है। अब हम लोग को इसमें नमक डालना है, हाथों से उसको अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट उसको पहले फेंट लेना है, तभी हमारे मेंदू वड़े एकदम अंदर से हल्के और अच्छे बनते हैं। तभी पहले हम लोग इसमें नमक डालेंगे और अपने हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है 10 मिनट तक। इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है। एक ही प्रोसेस में इसे मिक्स करना है, या तो ऐसे करो या तो ऐसे, लेकिन एक ही प्रोसेस में। तो यहाँ पर 10 मिनट हमारा अच्छी तरीके से फेट कर हो जाने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे रवा। जो नॉर्मली अपना रवा होता है वही है ये। 4 टेबलस्पून हम लोग इसमें भी रवा डाल देंगे और फिर इसको वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम लोग अभी सबसे पहले इसमें डालेंगे हरी मिर्ची कट कर कर। आपको हरी मिर्ची इनका डालना है तो आप डाल सकते हैं, बस बच्चों के टिफिन में बनाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बारीक पीस करके इनको इसमें डाल देनी है। यहाँ पर हम लोग ने इसमें ग्रीन चिली और धनिया डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ने तेल गरम के लिए रख दिया है, वहाँ पे हम लोग ने सांभर बनाया है। सांभर और चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैंने वो भी रेसिपी नहीं बनाया है। तो यहाँ पर भी मेंदू और हम लोग डाल रहे इस तरीके से अपने हाथों से इसको लेकर ऐसा तेल में डाल दीजिए और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है, वरना अंदर से कच्चे वैसे ही रहते हैं वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मेंदूवड़े हैं वो अपने आप तेल में ऊपर आ चुके हैं और हल्के बने हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने वड़े को पलटी कर दिया है और गोल्डन कलर एक साइड से आए, दूसरी साइड से भी हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
आपको हाथ से नहीं आता होगा तो आप चाय की जो छन्नी होती है उसकी मदद से भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वड़े हमारे गोल्डन कलर के हो चुके हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखो। तो अब इसको निकाल लेंगे हम लोग इस तेल से बाहर और एकदम क्रिस्पी बने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वड़े हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मेंदू वड़ा सांभर और चटनी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।